चार दिन पहले मैंने अपने YouTube के कम्युनिटी पर एक पोस्ट शेयर किया था। अब जो लोग हमें फॉलो करते होंगे उनको पता है, और उसमें मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो किस कंपनी के बीए ट्रिमर पर चाहिए। और जो मैंने ऑप्शन दिए थे वो दो ऑप्शन दिए थे, नंबर एक फिलिप्स और दूसरा ऑप्शन था नोवा। दोस्तों यहाँ पर जो वोटिंग हुई है 55% नोवा पर वोट पड़े हैं और जो 45% वोट आए हैं वो फिलिप्स ट्रिमर के लिए आए हैं। ये है नोवा का NG1153 बियर्ड ट्रिमर। ये एक ऑल इन वन बियर्ड ट्रिमर है। ये फुल बॉडी ग्रूमिंग किट के साथ देखने को मिलता है और यहाँ देख सकते हैं आप, इसके साथ बहुत सारे आपको अटैचमेंट देखने को मिल जाएंगे। कीमत इसकी 1499 रुपए है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ट्रिमर के बारे में, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, मटेरियल क्वालिटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, और फाइनली आपको बियर्ड ट्रिम करके भी दिखाने वाले हैं इस ट्रिमर से कि किस तरीके का ये आपको ट्रिमर लुक दे देता है। भाई बीएड मैंने पहले ही ट्रिम कर लिया है इस ट्रिमर से। अब आप सोच रहे होंगे कि बीएड कैसे ट्रिम करेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए, बीएड भाई ने तुम्हारे पहले ही ट्रिम कर ली थी। तो चलिए बॉक्स को हम करते हैं ओपन, और जब तक आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो अभी हम बॉक्स को ओपन कर रहे हैं, बाद में कहीं आपको, चलिए बॉक्स को ओपन करा दे छोड़िए। लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या अटैचमेंट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की पैकिंग के साथ आता है, काफी हैवी पैकिंग के साथ देखने को मिलेगा ये आपको। तो यहां देख सकते हैं, सबसे पहले आपको एक यूजर मैनुअल गाइड देखने को मिल जाएगा। इसमें चार हेयर क्लिप मिलेंगी जिनका साइज 3, 6, 9, और 12 mm का देखने को मिल जाएगा, और आपको एक ये वाला क्लिप देखने को मिलता है। ये सबसे छोटा क्लिप है इसमें और ये आपका बियर्ड ट्रिम करने के लिए यूज होता है। इस पर आपको 3, 4, 5, 6 mm देखने को मिल जाएगा, और ये जो क्लिप है ये आपका बियर्ड ट्रिम करने के वक्त आप यूज करेंगे। एक दोस्तों आपको उसमें चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी, देख सकते हैं आप, ये कुछ पिन टाइप की इसमें आपको चार्जिंग केबल मिलती है, और दूसरी साइड में जो कनेक्टर है ये आपका USB टाइप कनेक्टर देखने को मिल जाता है। एक दोस्तों इसमें आपको क्लीनिंग ब्रश देखने को मिलता है। एक इसमें सबसे यूनिक चीज लगी है वो है आपका ये चार्जिंग स्टेशन, और आगे की तरफ से जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे अटैचमेंट देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। चलिए एक एक करके इसको निकालते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आपको ये पहला अटैचमेंट जो देखने को मिलेगा ये है आपका एक माइक्रो सेवर, जो कि आपके छोटे छोटे बालों को ट्रिम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक आपको ये अटैचमेंट देखने को मिलेगा, बेसिकली ये वाला जो अटैचमेंट दिया हुआ है इसमें ये आपका बियर्ड ट्रिम करने के लिए दिया हुआ है, तो इससे भी हम बियर्ड ट्रिम करके आपको वीडियो में दिखाएंगे। नेक्स्ट आपको ये अटैचमेंट देखने को मिलेगा, इसकी हेल्प से आप अब जो कान और नाक के बाल को साफ कर सकते हैं, अगर आपके आते हैं तो भाई कर सकते हो, मेरे तो कोई काम का नहीं है क्योंकि मेरे नाक में ना कान में बाल आते हैं भाई ना नाक में बाल आते हैं। जो सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलता है ये एक अटैचमेंट है, इससे आप डिजाइन बना सकते हैं, जो कि एक वाहियात है, कोई भी यूज नहीं है इसका मेरे हिसाब से, तो ये आपको वाहियात देखने को मिलेगा इसमें। और फाइनली दोस्तों ये है आपकी मेन मशीन नोवा NG1153, कुछ इस तरीके के लुक के साथ ये आपको देखने को मिलता है, और इसमें भी आपको एक अटैचमेंट पहले से ही लगा हुआ मिलेगा, ये बेसिकली आपका हेयर ट्रिमर है। टोटल जो अटैचमेंट होते हैं वो होते हैं 5। ये वाला जो अटैचमेंट है ये आपका बियर्ड ट्रिम करने के लिए है, और ये जो अटैचमेंट जो इसके साथ लगा आता है बॉक्स में ये आपका हेयर अटैचमेंट दिया हुआ है। दोस्तों बॉक्स में आपका इतना ही कुछ निकलता है। अब बात कर लेते हैं हमने मेन मशीन के बारे में। दोस्तों ये कुछ इस तरीके की आपको इसमें मेन मशीन देखने को मिलेगी, काफी अट्रैक्टिव लुक लग रहा है इसका मुझे। अगर मैं इसकी ओवरव्यू की बात करूं तो सबसे ऊपर आपको इसमें हेयर अटैचमेंट देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ नोवा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। स्लाइडर देखने को मिलता है, इंटरेस्टिंग चीज लगी है। इसमें आपको दो पोजीशन दी हुई हैं, इसकी हेल्प से आप जो ये ब्लेड की लेवल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ही मैं इसे ऊपर करूंगा लीवर को तो ये जो ब्लेड है ये आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं। एक बार किया थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, और दूसरी बार करने पर ये थोड़ा सा और एडजस्ट हो जाता है, तो ये थोड़ा सा आपकी बियर्ड को क्लोज लुक देने के लिए ये जो सिस्टम है वो दिया हुआ है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा है इसमें मुझे। यहाँ पर बीच में आपको एक पावर बटन दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप इसको ट्रिमर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। डिजिटल डिस्प्ले दी हुई है, इसकी हेल्प से आप एग्जैक्ट बैटरी लेवल आप पता कर सकते हैं कि कितना आपके ट्रिमर में बैटरी का लेवल बचा हुआ है। और नीचे की तरफ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें आपको पिन टाइप का एक चार्जिंग
पोर्ट देखने को मिलेगा। पीछे की साइड की बात करूं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिल जाएगा। बॉडी की बात करूं तो ये प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है। तो अगर क्वालिटी की बात बताऊं तो ये एक एवरेज क्वालिटी है, न ज्यादा अच्छी है और न ज्यादा बेकार है। यहाँ थोड़ी सी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी और मैं जो देख पा रहा हूँ इसके अंदर जो है आपको 700 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, तो काफी पावरफुल बैटरी कह सकते हैं आप इसको। चार्जिंग पिन को आपको कुछ इस तरीके से इसके अंदर अटैच कर देना है और इसको अंदर की तरफ प्रेस करने के बाद आपको जो ये लॉक दिया हुआ है सिर्फ इसको लॉक कर देना है कुछ इस तरीके से, तो ये बाहर नहीं निकलेगी। और आगे की तरफ से फिर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको पिन देखने को मिल जाएगी जिसमें आप अपना जो ट्रिमर है उसको लगाकर इसे चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों अब आपका जो चार्जिंग स्टेशन है वो हो चुका है रेडी। अब हम जैसे ही इस ट्रिमर को इसके अंदर कुछ इस तरीके से लगाकर और नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप ये जो है ट्रिमर चार्ज करना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको एक रेड कलर का प्लग देखने को मिलता है, ये इंडिकेट करता है कि आपका जो ट्रिमर है इस टाइम चार्जिंग पर लगा हुआ है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी है मुझे इस ट्रिमर की। तो जो बाकी आपको अटैचमेंट दिए हुए हैं उनको कुछ आप इस तरीके से रख सकते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप इनके अटैचमेंट इनको इनके ऊपर रख सकते हैं और इस तरीके का आपको इसमें लुक देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आपका ये ट्रिमर जो है चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है और जब भी आपको इसे यूज करना है तो आप यहीं से उठाकर अपनी कोई भी अटैचमेंट को आप यहाँ से उठाकर यूज कर सकते हैं और इसी में फिर रख सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी है मुझे इस ट्रिमर की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इस ट्रिमर के फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको लगभग सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये जो ट्रिमर है आपका फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। कंपनी क्लेम करती है कि 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और 1.5 घंटे में फुल चार्ज होने के बाद इसको आप 2 घंटे 40 मिनट तक यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको ट्रेवल लॉक का भी फीचर देखने को मिल जाता है, बस आपको पावर बटन को एक बार प्रेस एंड होल्ड करना है। तो ये अपना ट्रैवल लॉक मोड में चला जाता है और डीएक्टिवेट करने के लिए आप समझदार हो फिर से प्रेस एंड होल्ड रखना है आपको, तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है। बाकी इस ट्रिमर को आप कॉर्ड और विदाउट कॉर्ड भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ये कॉर्डलेस और कॉर्डेड ट्रिमर है और इसको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। वाटरप्रूफ नहीं है, इसमें आपको कोई भी आईपी रेटिंग नहीं दी, तो कृपया इसको पानी से ना धोएं। थोबड़ा जरूर धो सकते हैं पानी से, बट इसको पानी से ना धोएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। गेट वाले जो ब्लेड है इसको हम निकाल देते हैं और जो ये माइक्रो सेवर है इसको हम इसमें अटैच कर लेते हैं एक बार। ये जो माइक्रो सेवर है ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है इस बियर्ड ट्रिमर में। सबसे पहले आपको बियर्ड वाला अटैचमेंट दिया हुआ है, उससे अपनी जो बियर्ड उसको ट्रिम करना है। देन उसके बाद आप इस माइक्रो सेवर की हेल्प से जब आपके छोटे छोटे बाल रहते हैं उसको आप इसकी हेल्प से क्लीन कर सकते हैं, काफी ज्यादा क्लीन हुए हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर पहली बार है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए रखें अपना ख्याल। जय हिंद।